ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वारा अभी सितंबर 2020 में बीएड सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम लिया गया है के संबंध में। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें बीएड सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुँच पाए जो वर्तमान में बीएड कर रहा है, क्योंकि हरियाणा की लगभग यूनिवर्सिटियों का बीएड का जो सिलेबस लगभग एक जैसा सा ही है उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो इसलिए अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपरों के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो इससे आपके दिमाग में यूनिवर्सिटियों के द्वारा पेपर सेटअप किस रूप में किया जाता है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की कोई बीएड से संबंधित समस्या के बारे में चर्चा करनी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, केवल मात्र बीएड से संबंधित। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में ही बात करें। टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही है, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इन चीज़ों की पीडीएफ फाइलें वगैरह उपलब्ध करवाई जाती है। नॉलेज एंड करिकुलम का जो पेपर लिया गया है उस पेपर में ये अभी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया था। इस पेपर में प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का प्रयास करें, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 4 प्रश्न होते हैं और चारों ही कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब कि यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता बल्कि 4-4 नंबर के 4 प्रश्न ही दिए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ही आसान सा प्रश्न है, शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा के संबंध में यहाँ आपको बताना है। आप यहाँ शिक्षा को भूमिका बताते हुए उसके बाद में 2 परिभाषाएं और फिर परिभाषाओं के आधार पर आप इसको थोड़ा सा और विस्तृत कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इक्वालिटी और इक्वालिटी, साम्य और समानता, ये भी एक बहुत अच्छा और बढ़िया प्रश्न है, इसका भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न पाठ्यक्रम का परिणाम, डायमेंशन ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम की जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में पूछा गया है, तो ये भी एक बहुत सा ही आसान सा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न फील्ड सर्वे यानी क्षेत्र सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण किसी भी बिंदु को लेकर के एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की राय जानना या उससे संबंधित एक तरह से आंकड़े इकट्ठे करना सर्वेक्षण के रूप में आता है। जैसे कि अभी भारत सरकार हर 10 साल के बाद में जनगणना करती है, तो अभी 2021 में पूरे भारत की जनसंख्या की गणना की जाएगी, तो वो एक तरह से सर्वेक्षण होगा। ठीक इसी तरह नगरपालिका वगैरह या कुछ अन्य हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह जो हैं वो सर्वेक्षण करते रहते हैं, या इसी तरह अनुसंधान कार्य जो किया जाता है उसमें भी एक तरह से सर्वेक्षण किया जाता है। साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो टूल हैं, मनोवैज्ञानिक जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल हैं, उन टूल के माध्यम से भी आप सर्वेक्षण करके कुछ निश्चित लोगों के आंकड़े जो हैं वो आप इकट्ठे करते हैं और उसी के आधार पर आप अपने विचारों का निर्माण करते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के वो सर्वेक्षण किया जाता है वो सर्वेक्षण पूर्ण किया जाता है। यूनिट फर्स्ट में 2 बड़े क्वेश्चन हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में टैगोर के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए, शिक्षा के संबंध में इन्होंने बहुत ही अच्छे एक तरह से व्यवस्थित रूप में सारी चीज़ें बताई और इन्होंने इस संबंध में एक अपना अलग से
विद्यालय भी खोला जो वर्तमान में शांति निकेतन के नाम से एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है। टैगोर जो हैं वो एक तरह से प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं। इन्होंने शहर से दूर अपना जो है विद्यालय खोला था और शुरुआती में वहाँ बहुत कम बच्चे थे, और पढ़ने के दौरान अगर बच्चे ये कहते थे कि मैं दौड़ने के लिए जाना चाहता हूँ तो बच्चों को दौड़ने के लिए भेज दिया जाता था। प्रकृति की छांव में प्रकृति के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण करवाने का इनका जो प्रयास था वो था, ताकि बच्चे की मूल प्रवृत्ति को स्वाभाविक ढंग से विकसित किया जा सके। तो टैगोर से संबंधित आपने जो पढ़ा है उसको बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में जोड़ते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद में इसी का यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें इन्होंने निम्न में से किसी दो पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो यानी कि यहाँ इन्होंने तीन ऑप्शन में तीन प्रश्न दिए हैं और इनमें से दो का उत्तर देना है। ऐसा अक्सर कम ही होता है, अधिकतर दो ही दिए होते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है कि इस कोरोना काल में विद्यार्थियों को अच्छा ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि उनकी परसेंटेज अच्छी बन सके। तो यहाँ इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है 3.1 में, बाल केंद्रित शिक्षा के विशेष संदर्भ में गांधी जी का योगदान। तो बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो गांधी जी के द्वारा दी गई, और बेसिक शिक्षा पद्धति में गांधी जी ने शिक्षा के बारे में विशेष महत्व दिया। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर भी विशेष बल दिया, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो सीखेगा वही आगे अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा। इसी में दूसरा प्रश्न है, अवधारणा और ज्ञान के स्रोत, कॉन्सेप्ट एंड सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान की अवधारणा और इसके स्रोत। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और क्योंकि ये नॉलेज, इस पेपर का नाम भी नॉलेज एंड करिकुलम है तो उससे जुड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्किल एंड बिलीव्स, सीखना कौशल और विश्वास की अवधारणा। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक तरह से तीन पार्ट हैं, तो आप एक व्यवस्थित रूप में इन चीज़ों को पहले अपने माइंड में सेटअप कर लें कि आप किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और उसके बाद में प्रश्न लिखने का प्रयास करें। प्रश्न जब तीन दिए हुए हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा न लिखें कि जितना आपने एक बड़ा प्रश्न लिखा है। बड़े प्रश्न में आपको करीबन लगभग छः से सात साइड भरनी होती है, तो इस हिसाब से यहाँ ये दो हैं तो मतलब यहाँ आपको करीबन 3 साइड या 3.5 साइड से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, वरना आप 3 साइड में ही इस लिख करके इस प्रश्न को पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपका एक प्रश्न जो है वो छूट जाएगा, जिससे कि आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाएगी। इकाई नंबर 2, लोकतांत्रिक शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत अवसर के प्रचार, सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, लोकतांत्रिक शिक्षा, शिक्षा को लोकतंत्र से जोड़ते हुए, उसके बाद में व्यक्तिगत अवसर के प्रचार, व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति को किस तरह से अवसर मिलता है को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा के महत्व के बारे में यहाँ आपको एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देना है। हालांकि ये प्रश्न देखने और पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस प्रश्न को आप थोड़ा सा समझ करके उत्तर देने का प्रयास करते हो तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। इसका इसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते हो और इस प्रश्न में आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में फिर इन्होंने 3 प्रश्न दिए हैं, और इन 3 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ और महत्व। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण, समाज और समाज से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ें फिर समाजीकरण के रूप में आ जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता की अवधारणा और शिक्षा के साथ उनका अंतर संबंध। तो ये प्रश्न जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के उत्तर देना होगा। थोड़ा सा एक तरह से इस प्रश्न में आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता। इनके तीनों के साथ, शिक्षा के साथ उनका क्या अंतर संबंध है, किस तरह से ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसका तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो, शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने के संदर्भ में संस्कृति और अर्थव्यवस्था की भूमिका। तो इस यूनिट में
पहला जो प्रश्न था समाजीकरण का अर्थ और महत्व, तो बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं और अच्छे स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी यूनिट का ये जो दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने के संदर्भ में संस्कृति और अर्थव्यवस्था की भूमिका। तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो एक समाज के उद्देश्यों के आधार पर ही उनका निर्माण किया जाता है, तो इसी आधार पर संस्कृति और अर्थव्यवस्था के विकास में शिक्षा के उद्देश्यों का किस रूप में निर्माण किया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो देना होगा। तो ये दोनों प्रश्न, प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर तीन, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हालांकि इसमें जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न तो ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ आपको शिक्षा का धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता के साथ जोड़ करके लिखना होगा। प्रश्न तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा रूप में, विस्तृत रूप में लिखना होगा और यहाँ आपको उदाहरणों का भी प्रयोग करना होगा। मतलब ये दोनों ही वो प्रश्न हैं जिसमें आप अगर अच्छे उदाहरण नहीं देते हैं तो मान के चलिए कि जो भी आपका पेपर चेक करता है उसके दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इन प्रश्नों को उत्तर देते समय आप अच्छे उदाहरणों का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे आवश्यकता के अनुसार, उतना ही बढ़िया आपको अंक प्राप्त होंगे। यूनिट नंबर तीन, आप अपने राज्य के मौजूदा स्कूल पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार के बारे में क्या सुझाव देते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी इकाई तीन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार के बारे में चर्चा करनी है। अब यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि आप अपने राज्य के मौजूदा स्कूल पाठ्यक्रम, तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो भारत के सभी राज्यों में एक समान है। जब से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लागू हुआ है तब से विद्यालय स्तर पर सभी विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान है। NCERT के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, किताबें तैयार की जाती हैं और फिर वो एक तरह से उस मेटेरियल को SCERT राज्य स्तर पर उस चीज़ को अच्छे तरीके से डील करती है और वो NCERT के गाइडलाइन में SCERT स्टेट लेवल पर उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही पाठ्य पुस्तक का एक तरह से प्रकाशन करवाती है और वो पाठ्य पुस्तकें फिर राज्य के सभी स्कूलों में वितरित कर दी जाती है। तो सभी स्कूलों का, खासकर सरकारी स्कूलों का, केंद्रीय विद्यालयों का, नवोदय विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है वो सेम है, जबकि इसके अलावा प्राइवेट और निजी जो विद्यालय हैं उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार या जैसा उनको ज़्यादा अच्छा लगता है वो पाठ्य पुस्तकें लगाई हुई हैं। लेकिन फिर भी भारत में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, आप BED कर रहे हैं, भविष्य में आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, तो वहाँ आपको यही NCERT की ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी। भारत में सबसे बड़ी जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसमें भी NCERT की ही किताबों को पढ़ना पड़ता है और अब वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में लगभग NCERT की किताबों से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पूछी जाने लगी हैं। तो यहाँ प्रश्न के बारे में एक बार फिर से देखते हैं कि पाठ्यक्रम के गुणात्मक सुधार के बारे में सुझाव दें। तो गुणात्मक शिक्षा किस रूप में विकसित की जा सकती है, इस बारे में सुझाव देने हैं और इनका उदाहरण सहित वर्णन भी करना है, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि गुणात्मक शिक्षा जो है वो काफी कम होती जा रही है। नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल के आई बटन पर एक लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर के उस वीडियो को देखें, सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास रखें या आपके पास जो बुक है उसमें शुरुआती पेजों में सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पे आप टिक मार्क कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस रूप में पूछा जाता है। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को ज़्यादा प्रेशर न हो इसलिए यहाँ इन्होंने ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रखा है कि प्रत्येक यूनिट का जो दूसरा प्रश्न है उसमें यहाँ इन्होंने तीन तीन प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ तीन प्रश्न में से कोई दो प्रश्न देने हैं। तो पाठ्यक्रम विकास के मूल विचार, तो पाठ्यक्रम विकास के मूल विचार, किन विचारों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा और सामान्य प्रश्न है। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है वही एक तरह से उसके मूल विचार हैं जो कि पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए विद्यार्थी वर्ग में विकसित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय निर्धारक, तो पाठ्यक्रम को
निर्माण में दार्शनिक और समाजशास्त्रीय जो निर्धारित होते हैं उनके बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पाठ्यक्रम की अवधारणा और महत्व, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ प्रश्न का निर्माण किया गया है। तो अगर आप यूनिट 7 के फर्स्ट और थर्ड प्रश्न को देखते हैं तो ये दोनों प्रश्न ही काफ़ी अच्छे हैं और आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। दार्शनिक और समाजशास्त्रीय निर्धारक हैं, ये भी अगर आपको थोड़े से माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यहाँ आप इसका अच्छा उत्तर दे सकते हो। तीनों ही प्रश्न जो हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं। इकाई नंबर 4 में प्रश्न नंबर 8, सामूहिक चर्चा से आपका क्या अभिप्राय है? प्रभावी सामूहिक चर्चा के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? स्कूल स्तर पर शिक्षण और सीखने में इसके महत्व को भी उजागर करें। तो यहाँ इस प्रश्न को आपको उत्तर देते समय पूरे प्रश्न को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला है, सामूहिक चर्चा से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है सामूहिक चर्चा का, ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ही अच्छा एक तरह से कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं करवाई जाती हैं उनमें एक दिन जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो ग्रुप डिस्कशन का रखते हैं, जिसमें कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के संबंध में या जो भी उनके टॉपिक हैं उनके संबंध में अपनी समस्या रखते हैं और जो अनुभवी अध्यापक होते हैं वो उन समस्याओं का निदान करते हैं। ठीक इसी तरह विद्यालय में भी अगर कक्षा में ग्रुप डिस्कशन के बारे में चर्चा की जाएगी, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, तो बच्चों को जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी परेशानियाँ एक तरह से उनका हल आसानी से किया जा सकता है और इससे शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी और प्रभावशाली बन सकती है। प्रभावी सामूहिक चर्चा के लिए क्या कदम उठाते हैं? मतलब किस तरह से आप कुछ ऐसा प्रयास करेंगे जिसकी वजह से ग्रुप डिस्कशन यानी सामूहिक चर्चा है वो और अधिक प्रभावशाली बन सके, बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें और वो अपनी समस्याओं को सामान्य रूप में बता सकें। जैसे आप प्रत्येक बच्चे को इसमें स्वतंत्रता दे सकते हैं कि वो अच्छे ढंग से अपनी बात को, अपनी विचारों को रखें। जब एक बच्चा बोल रहा हो तो अगर बाकी बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे तो ऐसी परिस्थिति में बोलने वाला जो बच्चा जो ग्रुप डिस्कशन में बोल रहा है उसको भी अपने आप में कॉन्फिडेंट आएगा और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगेगा कि उसकी बात को भी महत्व दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो सामान्य बातें हैं अगर उनका ध्यान रखा जाए तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक इसी तरह ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई बच्चा कोई बिंदु रख रहा है तो उसको एक तरह से बिल्कुल सही रूप में होना चाहिए, हालांकि बड़े स्तर पर तो इसमें एक अच्छे उदाहरण और प्रमाणिकता या तार्किकता का होना जरूरी है, लेकिन बच्चों में ये चीज़ें इतने अच्छे ढंग से विकसित नहीं होती। लेकिन फिर भी इससे जुड़ा हुआ अगर कोई ध्यान रखा जाए, बात रखी जाए, तो ये बहुत अच्छा विकास बच्चों में हो सकता है। स्कूल स्तर पर शिक्षण और सीखने में इसके महत्व को भी उजागर कीजिए। तो स्कूल स्तर पर इसके सीखने और शिक्षण में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कक्षा कक्ष में अगर हम देखते हैं कि सिर्फ एक तरफा जब शिक्षण होता है, यानी कि सिर्फ अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी सुनता है, तो ये शिक्षण की प्रक्रिया इससे इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाती है। और ठीक इसके दूसरी तरफ अगर अध्यापक भी बोलता है, विद्यार्थी भी बोलते हैं, दोनों अपनी समस्याएं रखते हैं और उन पे एक अच्छे ढंग से चर्चा होती है, तो ऐसे में शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही अच्छी, बढ़िया और प्रभावशाली बन पाती है। तो इसलिए विद्यालय स्तर पर कक्षा शिक्षण में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। ग्रुप डिस्कशन जितना ज़्यादा होगा सामान्य समस्याओं पर उतनी अधिक चर्चा होगी और समस्याओं का निवारण भी साथ ही साथ होगा। जैसे अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद में पूछता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप उस समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, या कभी बार पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का थोड़ा सा ध्यान अटेंशन करने के लिए जो बिंदु पढ़ाया गया है उस चीज़ के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, या वो ये भी पूछ सकता है कि अगर आप इस जगह होते तो क्या करते। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रुप डिस्कशन जो है वो पढ़ाने के दौरान आयोजित किया जा सकता है और इससे बच्चों की बौद्धिकता, तार्किकता, समझ और सामाजिकता जो है वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से विकसित हो सकती है। इस इकाई का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। तो ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हमारे इस पेपर का नाम भी नॉलेज एंड करिकुलम है, तो करिकुलम से संबंधित आपको ये
प्रश्न जो है वो जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो मुख्य सिफारिशें की गई थी उनके बारे में पूछा है, तो हो सकता है कि हरियाणा की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जब पेपर सेट किया गया हो तो उसमें इसकी बजाय कोई और बिंदु भी पूछ लिए गए हों। तो ये राष्ट्रीय पाठ्य योजना 2005 जो है वो इस पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको अगर किसी भी तरह की कोई राय देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी उस चीज़ के बारे में कमेंट दे करके अपनी राय रख सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर कुछ बताना या पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे पाठ्यक्रम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं के बारे में बताया गया है। तो आपकी बुक के जो शुरुआती पेज हैं वहाँ पर सिलेबस है और उस सिलेबस में आप इस प्रश्नों को एक तरह से टिक मार्क करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक इसी तरह वीडियो चलने के दौरान आप इस कॉर्नर में यहाँ आते हो तो यहाँ हमारे चैनल का एक तरह से लोगो है और उस पर आने के बाद में सब्सक्राइब बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो को आप सही समय पर देख पाएं। वीडियो देखने के दौरान ही आप हमारे इस चैनल के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाते हैं तो यहाँ हमारे ये चैनल का नेम है और ये आप साम और पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको जो पहले से हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड की गई हैं उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो इससे संबंधित कोई भी वीडियो आप देख करके पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ये बीएड सिलेबस पेपर पैटर्न के संबंध में, क्वेश्चन पेपर के संबंध में, माइक्रो टीचिंग के संबंध में, सिमुलेटेड और मेगा लेसन के संबंध में, मतलब अलग अलग टॉपिक पर हमारी वीडियो का निर्माण किया गया है। जैसे ये बीएड फर्स्ट पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग के संबंध में वीडियो बनाई गई है। ठीक इसी तरह आप इसमें देखते हैं कि बीएड फर्स्ट पेपर फिफ्थ टीचिंग ऑफ हिंदी के क्वेश्चन पेपर के संबंध में ये वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ क्लिक करने से डायरेक्ट वो वीडियो जो है वो अपने आप ऑन हो जाती है। ये कुछ समय के लिए एड प्ले होती है और एड स्किप करने के बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हो। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फिफ्थ हिंदी शिक्षण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। बीएड में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ लाइक शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचने की हमारी ये जो मुहिम है ये पूर्ण हो सके। धन्यवाद।